अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। कर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। महाप्रभु वीरप्पा नायक, उसकी बेटी और उसका पूरा परिवार कल रात ही राज्य छोड़कर चले गए हैं। क्या? वीरप्पा नायक, उसकी बेटी और पूरा परिवार राज्य को छोड़कर चले गए हैं? धोखा, धोखा, मुझसे धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं विजयनगर का सम्राट हूँ, मुझे अपनों ने ही धोखा दिया है। वीरप्पा नायक, तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा परिवार कहीं भी चला जाए, छोड़ूंगा नहीं। तुमने ऐसे कैसे समझ लिया, छोड़ दूंगा तुम्हें? नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहीं भी रहो तुम, कहीं भी छुप जाओ, कहीं भी रहो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंत्री जी, महाप्रभु, देश की चारों दिशाओं में अपने सैनिकों को उनको ढूंढने के लिए भेजो। वो कहीं भी छुपे हो, उनके हाथ पैर काट कर यहाँ लेके आओ। अगर कोई भी रोकने की कोशिश करे तो उसका भी वध कर दो, लेकिन किसी भी तरह से मेरी अरुवलम्मा को मेरे पास लेकर आओ। जो आज्ञा महाप्रभु। जाओ। विधि का विधान यह कौन समझ पाया है? विधि का विधान यह कौन समझ पाया है? कल की फिक्र नहीं जब वो तेरे साथ है। कल की फिक्र नहीं जब वो तेरे साथ है। उसकी मर्जी के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी मर्जी के बिना यह कुछ भी नहीं हो सकता। कर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। पग पर कांटे होंगे, सुख का कोई नाम नहीं। पग पग पर कांटे होंगे, सुख का कोई नाम नहीं। अब तो जीना तेरा दोधारी तलवार है। अब तो जीना तेरा दोधारी तलवार है। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हिल सकता। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हिल सकता। कर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। पल में छल होगा पर ना उसमें बल होगा। पल पल में छल होगा पर ना उसमें बल होगा। काल चक्र का खेल ये सारा तू नहीं डरना। काल चक्र का खेल ये सारा तू नहीं डरना। कर अगर तू डर गया तो नहीं बच पाएगा। कर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता।
उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। डर अगर तू डर गया तो धर्म नहीं बच पाएगा। हाँ, दक्षिण दिशा की ओर चलकर हम बहुत दूर आ गए हैं। हाँ वीरप्पा जी, हम अपने राज्य से काफी दूर आ गए हैं। हम सब छुप छुपा कर राज्य छोड़कर आए हैं। इस बात का समाचार महाप्रभु को मिल गया होगा और अब तक हमें ढूंढने के लिए उसने सैनिकों को भेज दिया होगा। उनके सैनिकों को दिखने से पहले हमें और दूर चलकर कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हाँ, चलते चलते हम बहुत थक गए हैं। वो देखो, उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है, वहीं चल के विश्राम करते हैं। आओ, वहीं चलते हैं। हाँ वीरप्पा जी, आइए सब लोग वहीं चलते हैं। हाँ, चलो, चलो, चलो। महाप्रभु, उनको बहुत ढूंढा फिर भी उन लोगों का कहीं पता नहीं चला, इसलिए सारे सैनिक वापस लौट आए हैं। पर हमें गुप्तचरों से पता चला है कि वीरप्पा और उसका परिवार दक्षिण दिशा की ओर गया है। अभी यही समाचार मिला है। क्या कहा? वो दक्षिण दिशा की ओर गए हैं? अगर ऐसा है तो मैं खुद ही उनके शिकार के लिए जाता हूँ और उनका सर धड़ से अलग करके रणचंडी की भेंट चढ़ाता हूँ और अरुवलंबा को लेकर आता हूँ। मंत्री जी, महाप्रभु, सैनिकों को तैयार करो। जैसी आज्ञा हो महाप्रभु। उस दुष्ट राजा की वजह से हमारी ये परिस्थिति हुई है। इसके आगे अब हम नहीं चल पाएंगे। अब हम लोगों को इस परिस्थिति में उनका सामना करना होगा। क्यों जीजा जी? वो क्या है? दूर कहीं घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। चौधरी नायक जी। हाँ समझ गया, मैं देख कर आता हूँ, तब तक आप यहीं ठहरिए। ओह, महाराज सैनिकों के साथ इसी दिशा में आ रहे हैं। वीरप्पा महाराज सैनिकों के साथ इधर ही आ रहे हैं। अगर हम उन्हें यहाँ देखे तो इसमें हमारी बहुत हानि होगी। जल्दी चलो यहाँ से, चलो चलो। जीजा जी, वहाँ दूर एक गांव दिख रहा है, हम उस गांव के पास चलें। हाँ, हम सब लोग उस गांव में जाकर आश्रय पा सकते हैं। हमें उस दुष्ट राजा से हर हाल में बचना है। आओ जल्दी चलें। चलो चलें। चलो चलो। आओ चलें। ये क्या है? हमें उस गांव में पहुंचना है, लेकिन ये नदी तो बहुत तेज बह रही है। उधर महाराज हमारे पीछे सैनिकों के साथ पड़े हुए हैं। ये नदी तो बहुत तेज बह रही है, उस गांव तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। पिताजी, हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? मुझे भी कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये नदी कितनी तेजी से बही जा रही है, हम कैसे पार करेंगे? हाँ, हम कैसे जाएंगे? हे भगवान, इस नदी को पार करना तो मुश्किल है। इस नदी में तैर कर जाना तो बेहद मुश्किल है। अगर हमने इस नदी में तैरने की कोशिश की तो हम तो डूब जाएंगे। माँ, गंगा माता, तुम पापियों के पाप धोकर उन्हें नया जन्म देकर परिवर्तित करने वाली महाकरुणामयी माँ हो। सबके कर्मों को धोकर उनका उद्धार करने वाली महामाता हो तुम। आज हमारा परिवार घोर संकट में पड़ा है, शत्रुगण
हमारे पीछे आ रहे हैं। कृपा करके हमें उस गांव तक पहुंचने का रास्ता दे दीजिए। माँ, मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, फिर भी तुम्हें हम पर दया नहीं आती। माँ, क्या तुम अब भी हमसे क्रोधित हो? माँ, हे गंगा माता, सच्चे मन से, निष्ठा से और हृदय से परिपूर्ण होकर अपने पति को भगवान समझकर, और वो ही हमारा सर्वे सर्वा है, ऐसा मानकर हम उसकी पूजा करते हैं, उनके पैरों की हमेशा पूजा करने वाली हम पतिव्रता नारी हैं। माँ, आपको हमें हमारी प्रार्थना पर रास्ता देना होगा। अगर इस पानी का बहाव कम नहीं हुआ तो हम सब इसी पानी में कूद कर प्राण दे देंगे। हे गंगा माता, लगता है हमारी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रही। ये लो, अब हम इसी नदी में कूद रहे हैं, स्वीकार करो हमें। ओम गंगा माते नमः। 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 ओम गंगा माते नमः।